हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। कोरियन लीग का मैच होने वाला है जो कि खेला जाएगा एसएसबी वर्सेस जेएनबी के बीच। बात करें है मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया कि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रस्तावित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, बात करें इस मैच की तो आपको बता दूँ कि यार एसएसबी वर्सेस जेएनबी का जो मैच होने वाला है इसमें मैं जेएनबी के फेवर में हूँ, बट एसएसबी भी मैच लेके जा सकती है। लेकिन अगर एसएसबी ने सामने वाली टीम को हाफ टाइम के अंदर गोल किया तो, क्योंकि मेरे को शक है कि जेएनबी ही गोल करेगी। आगे से बात करें गोलकीपर की, एम जॉइंग को लूँगा। आपको लग रहा होगा कि मैंने कौन सा गोलकीपर उठा लिया यार, लेकिन नहीं, आप समझो, मैं मानता हूँ पिछले कुछ मैचेस से फ्लॉप जा रहा है, गोल सेविंग रेशियो खराब है, लेकिन अगर एक बंदा पेनल्टी भी सेव कर देना तो 50 पॉइंट मिलते हैं। तो मैं उस चीज़ से ले रहा हूँ कि जेएनबी की ना पेनल्टीज़ बहुत आती हैं। आगे से बात करें केट हवान की, आपको बताना चाहूँगा जिनको नहीं पता कि केट हवान एक डिफेंडर के तौर पर यहाँ पर आपको लग रहा होगा, लेकिन ये एक मिडफील्डर है, तो ये आपको डबल अपॉर्चुनिटी प्लेयर मिलता है। आप ये मत समझो कि हम तीन मिडफील्डर लेकर आ रहे हैं, ये चौथा मिडफील्डर आपका ये है आपके सामने। और आगे से बात करूँ एजियो हो कि इसको जीएनजीडब्ल्यू के खिलाफ 2 अक्टूबर के मैच में इंजरी हुई थी, शायद वो अब रिकवर होगी क्योंकि उस बात को टाइम हो गया है। शायद होप कि अच्छा खेले आज, अगर खेला तो, क्योंकि नहीं खेला तो वी हैव टू ड्रॉप। और के जिन सू की बात करूँ, किम जिन सू को लूँगा। किम जिन सू इज ऑल्सो नाइस प्लेयर और इस पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है आज के मैच में। आगे से बात करूँ के मिन ह्योक की, ह्योक इनका एक पर्टिकुलर प्लेयर है, मतलब ऐसा है कि देखो, मान लो कि आपने सोचा कि प्लेयर जल्दी ना निकाल दो तो क्या पता उसी मैच में चल जाए। मतलब ये के मिन ह्योक ऐसा है कि ड्रॉप करने में रिस्की है। मैं आपको साफ साफ शब्दों में बोल दूं कि भले ही आपकी टीम में है और कुछ नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन आपकी टीम में नहीं है और कुछ कर गया तो आपको लॉस हो सकता है, इसलिए मैं इस प्लेयर के साथ। और वाइली की बात करूँ, फोर्थ डिफेंडिंग के दौरान ये प्लेयर फ्री किक्स एंड कॉर्नर्स के दौरान काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वाइली एक फोर्थ डिफेंडर है आज के मैच में। अगर यहाँ पे एच जियोंग हो नहीं खेला तो और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आगे से बात करूं मिडफील्डर की, पेस यंग हो को इन्होंने, जब एस इल्जुस चेंको नहीं खेल रहा था तो इन्होंने पेनल्टी टेकर घोषित किया, और जितनी पेनल्टी आई सब में इसने गोल किया है। लिटरली यार ऐसा प्लेयर इनके पास है और दो दो पेनल्टी टेकर हो गए, अब क्या बात, मतलब देखा जाए तो फॉर्म आ सकती है इस प्लेयर की। एंड बी को की बात करो, की वो की बात करूं, ये प्लेयर ने पिछले मैच पे जेजू यूनाइटेड के खिलाफ असिस्ट की थी और 17 मिनट खेला था सब्स्टिट्यूशन। शायद आज प्लेइंग 11 में हो, क्योंकि पिछला मैच देखते ही शायद आज प्लेइंग 11 में डाल दिया जाए। एलकी जे की बात करें, एलकी जे भी लेना ज़रूरी है क्योंकि इसको भी ड्रॉप नहीं किया सकता। और एम बैरो की बात करूँ, अगर बैरो खेलने में, पता नहीं कब आएगा यार, 2-3 महीने से वेट कर रहा हूँ कि कब एम बैरो खेलेगा, क्योंकि अगर एम बैरो खेला तो कम से कम 2 गोल करेगा ये प्लेयर, ऐसा है। आगे से बात करें एस इल्जुस चेंको की, इल्जुस चेंको वॉज फ्लॉपिंग फ्रॉम लास्ट 5-6 मैच, 5-6 मैच से लिटरली फ्लॉप पे फ्लॉप। और उसके बाद जो बंदा सब्स्टिट्यूट नहीं होता था वो बंदा 60-70 मिनट में सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अब कैप्टन रखने में भी रिस्क है, लेकिन कैप्टन ना रखूँ तो भी रिस्क है कि आपका ओपोनेंट ना रख दे, इसलिए इल्जुस चेंको को अगर खिलवाया तो शायद मैं कैप्टन रखूँ, और अगर नहीं खिलवाया तो शायद मैं गुस्टावो हेनरिक को टीम में एज अ पेनल्टी टेकर लूँ, क्योंकि फिर वो लेगा पेनल्टी। एम किम की बात करूँ तो मिन वू किम हो गया, ठीक है, वो तो 7-8 कर लो, क्योंकि किम का तो श्योर नहीं है, क्योंकि मैं जंग के साथ जाना चाहता था बट सब मेरे पास क्रेडिट इशू आ गया। तो आगे से बात करें कैप्टन की, अभी देखो मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ। मान लो अगर इल्जुस चेंको नहीं खेलता तो आपने कैप्टन रखने गुस्टावो को, भले ही आपको एम किम को ड्रॉप करना पड़े, ठीक है। उसके बाद अभी जो मेरा कैप्टन है वो है इल्जुस चेंको, क्योंकि मुझे फिर भरोसा करना है। और पी सेंग हुआ है मेरा वाइस कैप्टन। ये है थोड़ा रिस्की कॉम्बिनेशन, पर मेरी नज़र में ये सेफ है, आपकी नज़र में रिस्की। और अगर आपको थोड़ा और सेफ जाना है तो आप कैप्टन पी सी यंग हो को रख सकते हो, वाइस कैप्टन इल्जुस चेंको को, मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स कर सकते हो इजी भाषा में। अभी आप देख लो किस सेफ जाना है कि रिस्क लेना है, मैं रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।